नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनोहर आजना डॉट कॉम। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा विदेशी बाज़ारों का, जिससे कि हमें यह पता चल सके कि बाज़ार में कैसी क्या स्थिति है। दोस्तों, जैसे कि अभी पिछली क्लोजिंग जो शुक्रवार को हुई थी वो पॉजिटिव हुई थी, और आज हम सीधा चलते हैं विदेशी बाज़ारों के हालचाल देखने। तो ये यहाँ पर मैं मनी कंट्रोल डॉट कॉम की साइट पर आ चुका हूँ। यहाँ ग्लोबल इंडाइसेस देखेंगे हम। ग्लोबल इंडाइसेस में सबसे पहले US मार्केट देख लेते हैं। उसमें जो नाश्डाग है वो करीबन 0.73% यानी कि 0.25% ऊपर चल रहा है। इतने पॉइंट ऊपर है, 61 पॉइंट ऊपर चल रहा है। उसके बाद यूरोप का बाज़ार अगर हम देखें तो यूरोप में फुटसी भी 10 पॉइंट ऊपर, उसके बाद CAC ये भी 38 पॉइंट, डैक्स भी ऊपर है 60 पॉइंट। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि विदेशी बाज़ार सब हरे में है, लेकिन जो SGX निफ्टी है वो अभी थोड़ा सा फ्लैट या नेगेटिव जोन में चल रहा है। उसके बाद निकाई देख लीजिए, स्टेट टाइम देख लीजिए, हैंगसेंग का बाज़ार भी अच्छा खासा पॉजिटिव है, ताइवान का कॉप्सी थोड़ा सा नेगेटिव है, सेट कंपोजिट भी नेगेटिव चल रहा है, जकार्ता का जो बाज़ार है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, और शंघाई का भी, चीन का जो बाज़ार है शंघाई, वो भी थोड़ा सा फ्लैट या नेगेटिव चल रहा है। तो यहाँ पर 0.5% की गिरावट दिख रही है चीन के बाज़ार में। तो हो सकता है आज कुछ अनाउंसमेंट होने वाला हो, लेकिन जो US मार्केट है उसमें अच्छी तेज़ी दिख रही है हमें। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आज जो निफ्टी खुलेगा वो फ्लैट या पॉजिटिव खुलने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। तो आप भी कोई ऐसा व्यू बनाकर ट्रेड कीजिए, और दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।